सरकार आपके लिए बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको ये रोजगार मेला अच्छा लगा? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आने वाला समय, बहुत जल्दी चुनाव भी है, यहां बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों का हेलीकॉप्टर घूमने लगा है, मंडराने लग गया है पूरे राज्य में। आप लोगों से ये हम सुनना चाहते हैं कि आने वाला समय में याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब लोग, आज आप लोग का मिठाई खाने का दिन है, घर परिवार वालों के साथ खुशी मनाने का दिन है। आज तो बहुत सारा लोग, बहुत सारा नौजवान, छात्र छात्राएं, कोई शादी ब्याह का भी प्लानिंग कर रहा होगा कि अब तो नौकरी मिल गया, अब शादी कर लेते हैं। बहुत लोग की शादी हो गई होगी लेकिन रोजगार नहीं मिला था, लेकिन आज उसको भी रोजगार मिल गया और परिवार के साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कान निश्चित रूप से आज घर में आएगी। आपके इस ऐतिहासिक क्षणों के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, उत्साह का दिन है। मैं बहुत ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी ओर से आपको जोहार करता हूं। जोहार, जोहार। हम योजनाओं को गिनाना शुरू करें तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन आज के इस नौजवानों के नए भविष्य के मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ मंच पर देश ही नहीं विदेशों से भी मेहमान आए हैं। जापान से भी आए हैं, दुबई से भी आए हैं, भारत के बड़े बड़ी कंपनियां यहां आई है, जहां हमारे नौजवानों को, जिनको हम लोगों ने तराशा है, उनको नियुक्ति देने के लिए भी यहां पर कंपनी के साथ एमओयू की घट किया जा रहा है, कंपनी के साथ इकरारनामा किया जा रहा है। इनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, आज नौजवानों को देश विदेश के विभिन्न कंपनियों में अलग अलग पदों पर अलग अलग कार्यशैली के तहत आपको यहां से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे लगता है आप सब लोग जिस तरीके से सरकार के श्रम विभाग के ट्रेनिंग सेंटरों में अपने आप को ट्रेंड किया है, उसके अनुरूप आज आपको अपने योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में जाने का मौका मिल रहा है। और यहीं आपकी गाड़ी नहीं रुकनी है, बल्कि और भी आगे जाकर के अपने आप को आप तराश कर अपनी भविष्य को और उज्जवल कर सकते हैं। यह अब आप पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आपका जो लक्ष्य है और जो उद्देश्य है वो आपका कितना बड़ा है, आप किस गति से चलना चाहते हैं। अब आप इस दुनिया में खुले आसमान पर उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब इसमें रफ्तार कैसे आपको बनानी है ये अब आपको निर्भर करता है। हमने बहुत सारे नौजवानों को
श्रम विभाग के माध्यम से अलग अलग उद्योगों में अलग अलग जगहों पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया है और उनमें से कई ऐसे नौजवान युवक युवतियां हैं जिन्होंने पहले पड़ाव के बाद दूसरे तीसरे पड़ाव में इतना लंबा छलांग लगाया है, वो देश नहीं विदेशों में आज वो रोजगार करने गए हैं, जहां 10,000, 20,000, 25,000 का इनको तनख्वाह मिलता था, आज लाखों रुपया की तनख्वाहों में है वो युवक युवतियां काम कर रही हैं। तो निश्चित रूप से अब आपके पास ये मौका है, ये खुला आसमान है कि आप अपने आप को किस तरीके से तरासेंगे। इसलिए हम आप लोगों के लिए स्वरोजगार के माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है, खेती बाड़ी भी आदमी पढ़ लिख करके करता है, उसके लिए भी नई तकनीक से खेती कैसे हो उसके दिशा में भी सरकार की दरवाजे खुले पड़े हैं। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध हो इसके लिए भी आप लोगों ने देखा कि आज पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल को बनाया गया है, उसके शिक्षकों की भी बहाली हम लोगों ने कर दी है और अभी इन सब स्कूलों की संख्या लगभग 5,000 ले जाने की करनी है ताकि मौजूदा प्रतिस्पर्धा वाला वक्त में और सब प्राइवेट स्कूलों के साथ हमारे गरीब गुरुआ बच्चे भी कंप्लीट कर सकें। और अभी आपको और एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहता हूं, अभी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आप लोगों को जो श्रम विभाग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन इससे पहले आपकी शिक्षा दीक्षा अलग अलग स्कूलों में अपने अपने संसाधनों के माध्यम से आप करते थे, लेकिन अब श्रम विभाग के माध्यम से पूरे 24 के 24 जिला में श्रम विभाग के श्रम स्कूल बनाए जाएंगे, वो भी आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे पूरे राज्य में। वहां गरीब गुरुआ के बच्चे मुफ्त पढ़ाई करेंगे, रह कर कर पढ़ाई करेंगे और उन मजदूरों को कहीं इधर उधर गरीबों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे के पूरे 24 जिला में अगले वर्ष से ये काम हम लोग शुरुआत कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए अभी आप लोगों से ही हम कुछ सुनना चाहते हैं। आप लोग जोर से आवाज दीजिएगा, सरकार आपके लिए बढ़िया काम कर रही है कि नहीं कर रही है? आपको ये रोजगार मेला अच्छा लगा? चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आने वाला समय बहुत जल्दी, चुनाव भी है, यहां बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारियों का हेलीकॉप्टर घूमने लगा है, मंडराने लग गया है पूरे राज्य में। आप लोगों से ये हम सुनना चाहते हैं कि आने वाला समय में याद रखिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सब लोग, आज आप लोग का मिठाई खाने का दिन है, घर परिवार वालों के साथ खुशी मनाने का दिन है। आज तो बहुत सारा लोग, बहुत सारा नौजवान छात्र छात्राएं कोई शादी ब्याह का भी प्लानिंग कर रहा होगा कि अब तो नौकरी मिल गया, अब शादी कर लेते हैं। बहुत लोग की शादी हो गई होगी लेकिन रोजगार नहीं मिला था, लेकिन आज उसको भी रोजगार मिल गया और परिवार के साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कान निश्चित रूप से आज घर में आएगी। आपके इस ऐतिहासिक क्षणों के लिए आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।